एक तरफ उत्तर प्रदेश के तेजस्वी मुख्यमंत्री खुले मन से कहते हैं हमारा बुलडोजर गरीबों के लिए नहीं बल्कि भूमाफियाओं और अपराधियों के लिए है, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी व कर्मचारी आए दिन गरीबों को रौंदते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसा ही कुछ मामला जनपद महाराजगंज के निचलौल से है। निचलौल के बड़ापुरवा ग्राम सभा का है। श्रेणी 6-2 यानी डीह में आबादी का गाटा संख्या 396.081 हेक्टेयर जमीन जो कि 40 साल से काबिज था। शिकायतकर्ता महेंद्र यादव व नरेंद्र यादव, रविंद्र यादव, सफरुद्दीन, जनार्दन प्रसाद आदि लोग उस जमीन पर मकान बनवाकर और उस जमीन पर दुकान डालकर अपना व अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन हलका लेखपाल गजेंद्र भारती द्वारा प्रशासन से मिली भगत कर बिना किसी नोटिस व सूचना के उक्त गरीब व्यक्तियों के मकानों व दुकान पर बुलडोजर चला कर धराशाही करा दिया गया। पीड़ित व्यक्ति महेंद्र यादव उपायुक्त सभी 30/6/2022 को जिलाधिकारी महाराजगंज को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना यह है कि उस गरीब परिवार को न्याय मिल पाता है या नहीं। सूत्रों की माने तो उक्त लेखपाल हमेशा विवाद में घिरे रहते हैं। देखें खास रिपोर्ट। मैं आपका और कहाँ के रहने वाले हैं, क्या मामला है? महेंद्र यादव, बड़ेपुरवा के रहने वाला हूँ, तहसील निचलौल, जनपद महाराजगंज। क्या मामला है? हमारा जमीन जो है कि आदिकाल से जो हमारे बाप दादा से इस पर काबिज हैं, जो श्रेणी 6-2 की भूमि है और तहसील दिवस में जो है कि हमको उसका रिपोर्ट भी मिला है कि श्रेणी 6-2 की भूमि है। वर्तमान लेखपाल गजेंद्र भारती जो कि यह भी एक बार सीमांकन किया कि रास्ता चल रहा है, कि सीमांकन किया गया कि रास्ता चल रहा है, कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया। फिर कुछ दिन के बाद या किसी के दबाव में आकर जो है कि यह कह रहा है कि रास्ते की भूमि है और पैसा मांग रहा था, पैसा न देने पर। कितना पैसा मांग रहे थे? 20,000 रुपया लगभग ले भी चुका है आपसे। हाँ, 20,000 रुपया थोड़ा थोड़ा करके ले भी चुका है। कुल 70,000 रुपया मांग रहा था, कहा कि जो है कि आपके ऊपर से कई जगह जमीन है, अगर 70,000 रुपया देंगे तो आपका जमीन बचा देंगे, अगर आप नहीं देते हैं तो मान कर चलिए लगभग 25-20 जमीन आपका बर्बाद कर देंगे। ये कौन कह रहा था? लेखपाल गजेंद्र भारती कह रहा था। हाँ, गजेंद्र भारती लेखपाल कह रहा था। उसको 20,000 रुपया धीरे धीरे दे दिए, 50,000 नहीं दे पाए तो वो नाराज होकर हमारे जमीन को जाकर गाटा नंबर गलत बताकर उसको ध्वस्त करा दिया, जिसमें हमारा दुकान भी था, उसमें हम लोग रहते भी थे, हमारा पशु भी उसी में रहते थे, सब नादा वगैरह भी था, टीन शेड उसमें सब लगा था, पेड़ है, 3 पेड़ आम का है, सेमर है, पीपल का पेड़ है, वो कम से कम 40 वर्ष पुराना है। आज तक किसी ने उसको ये नहीं कहा कि जो है कि रास्ते की भूमि है। आज ये जो है कि पैसा नहीं पाया, 50,000 रुपया और दे दिए होते तो इस तरह से वो हमारे मकान को ध्वस्त नहीं किया होता। इसकी शिकायत आप किसी और उच्च अधिकारी से किए थे? इसकी शिकायत हम जो है कि उच्च अधिकारी के रुपये के विषय में नहीं किए, बाकी पेपर के विषय में किए और दीवानी न्यायालय में मुकदमा भी चल रहा है, उसके बावजूद भी ये ध्वस्त करा दिए हैं। किससे कैसे शिकायत? हम जो है कि तहसीलदार से भी शिकायत किए थे। डीएम साहब के ऑफिस? हाँ, डीएम साहब से भी कहते? नहीं, डीएम साहब के पास भी एक हम लेटर दिए थे, एप्लीकेशन दिए थे डीएम साहब के पास, बिना नोटिस के हमारे मकान को गिरवाए हैं।